नमस्कार, मैं हूं अनिल धायल और आप देख रहे हैं थार मीडिया। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है लॉकडाउन की, उसके बाद लोगों को मजबूर कर दिया है सरकार ने कि आप लोग अपने घरों में रहें, आप लोग अपने घरों में आराम करें, अपने परिवारजनों के साथ वक्त बिताएं। हालांकि इसके बाद भी कुछ लोग हैं वो घरों के बाहर टहलते नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं रोडें हैं वो सुनसान पड़ी हैं, इक्का दुक्का वाहन और नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा अपने बात करते हैं, अपने पास ही सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी वालों से अपने बात करते हैं कि उनके बीच उनकी बिक्री के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा है। आइए। हमारे साथ कुछ एक ग्राहक हैं जो बाजार में अपने रोजमर्रा का सामान लेने के लिए पहुंचे हैं, सब्जी वो लोग ले रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ा है। सर, लॉकडाउन हो रखा है, लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं, आप बाजार निकले हैं, क्या जरूरत आन पड़ी? चार दिन से सब्जी लेने के लिए, चार दिन से अब पहली बार आया हूँ, उससे पहले ली हुई थी। और साग सब्जी जो घर में बच्चे पुचे हुए थे, सूखा वगैरह, वो करके दिखा रहे थे। आज अब मजबूरी हो गई कि सब्जी लेने के लिए बाजार में निकलना पड़ा और अभी आया हूँ और 10 मिनट बाद भी वापस घर चला। चलो, आप जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं कि आप चार दिनों में मजबूरी होने पर निकले हैं। कुछ लोग वो हैं जो बहाने मारते हैं बाहर निकलने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है, जो बहाना मारते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। ये कोई खुद एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि वो बच्चे, ये सब के लिए हित के काम है। जो है कोरोना वायरस है, पूरे विश्व की बीमारी है, इसके अंदर बचने में ही फायदा है। और बाहर जितना कम हो, जरूरी हो तो ही निकले, वरना नहीं निकले, उतनी अपनी सेफ्टी है, देश का भला है, जनता सबका भला है। सब्जी वाले एक भैया हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं क्या प्रभाव पड़ा है उनके ऊपर। सर, ग्राहकों में कितना कमी आया आपको? ज़्यादा नहीं है सब्जी, अभी तो ग्राहक बिल्कुल नहीं आ रहा, तो जरूरतमंद सामान है वही लेने आ रहा है अभी तो। तो फिर आपका परिवार उसके ऊपर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है? देखो जो होगा वो कहना पड़ेगा ना। चलिए, ये थे एक ग्राहक जो मजबूरी बस मार्केट निकले हैं अपना रोजमर्रा का सामान लेने के लिए। इनके लिए हमने बात की, सब्जी विक्रेता से बोल रहे हैं कि ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, उनकी भी रोजी रोटी के ऊपर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हम ये कहना चाहेंगे और एक अपील बार बार हम लोग सरकार से कर रहे हैं कि कम से कम ऐसे लोगों का ध्यान वो रखे जिनके लिए रोज कमाना और रोज खाना होता है। अब देखते हैं सरकार ऐसी अपीलों पे कितना ध्यान देती है, क्या सरकार ऐसा कोई प्रावधान लागू करती है कि इन लोगों के ऊपर रोजी रोटी का कोई संकट खड़ा नहीं होगा।